आजाद भारत में कोर्ट में चली गोली, जज छुप गए सीट के नीचे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि बिजनौर में सीजीएम कोर्ट में कुख्यात शहनवाज को गोली मारकर हत्या। आजाद भारत में ये पहली ऐसी घटना नहीं है, आजाद भारत में ऐसी बहुत सारी घटना हो चुकी है कि किसी अपराधी ने दूसरे अपराधी को कोर्ट में जाके गोली चलाई। तो पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए। तो बिजनौर के सीजीएम कोर्ट में कुख्यात बदमाश शहनवाज को गोली बरसाकर हत्या कर दी गई। शहनवाज बसपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर हाजी एहसान और उसके भांजे शादाब की हत्या के मामले में आरोपी था। शहनवाज और उसके साथी जब्बार को दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से बिजनौर सीजीएम कोर्ट में पेशी लाई थी। गोलीबारी में मची अफरा-तफरी में जब्बार फरार हो गया, जबकि दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। वारदात में हाजी एहसान की दूसरी पत्नी के बेटे ने अपने दो साथियों के साथ अंजाम दिया। इस कोर्ट में जो जज बैठे हुए थे वो मेज के नीचे छिप गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। इसमें लिखा हुआ है सीजीएम ने मेज के नीचे छिपकर जान बचाई। मैं आपको इस एक वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें कि पुलिस कुछ लोगों का उपचार कर रही है जब गोली चली है। तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसी के ऊपर वीडियो, तो वीडियो देखिएगा। जब भी आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, एक पुलिस वाला उपचार दे रहा है। देखिए कौन है, वो सीजीएम कोर्ट का पूरा सीन है जो कि गोली चलने का दिखाई दिया है। ये सोशल मीडिया पे ये क्लिप काफी वायरल हो रही है, तो आप देखिए। मैं आपके लिए ऐसे अपडेट लाता रहता हूँ, मैं आपके लिए ऐसी न्यूज अपडेट लाता रहता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।